देखो ध्यान दो बुआ, कितना एक्सरसाइज कितना परफॉर्म्ड फाइंड अलजेब्रा एट क्लास 9। ध्यान देना क्वेश्चन नंबर 20 का पहला है बुआ, ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है 14, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 68 भी दिया हुआ है, लेकिन निकालना है हमको ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc निकालना है। तो देखो ध्यान देना बुआ, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 14 दिया हुआ है ने? क्या करना है इसमें, दोनों तरफ वर्ग कर दो, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर ध्यान देना बुआ, ए प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर और यहाँ भी 14 का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर सूत्र है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca और 14 का स्क्वायर 196 है ना। ध्यान देना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिया हुआ है 68 है ना, तो क्या यहाँ पर लिख सकते हैं 68 और प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 196 बउआ, 68 प्लस में इधर आएगा माइनस में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ध्यान दो बुआ 196 माइनस 68 है ना, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना हो जाएगा बुआ 128 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बउआ 2 गुणा में इधर आएगा भाग में 64 बार में कैंसिल, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर कितना है 64 है। और ध्यान अब हमको निकालना क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc ने, ध्यान दो ए क्यू प्लस बी क्यू और प्लस सी क्यू माइनस 3abc यही निकालना है, इसका सूत्र होता है बुआ ए प्लस बी प्लस सी, जानती है ना, और क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, पता है ना। एक और चलो अबरी स्टेप में ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, यहाँ से क्या करो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है ना, इसको एक ब्रैकेट में रखो, कोई दिक्कत है नहीं नहीं बुआ, इससे क्या करो माइनस कॉमन ले लो ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ठीक है, यहाँ तक यहाँ तक हो रहा है ना। अब यहाँ पर से ध्यान देना बुआ, ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना है बुआ 14 है ना, आई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान कितना है 68 माइनस बीच में माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ये कितना है 64 68 में से 64 ये कितना बचा 4 14 चार 56 ये है। हेलो बुआ देखो ए प्लस बी प्लस सी और 9 ए बी प्लस बी सी प्लस सी और 26 थोड़ा सा चेंज किया है, निकालना है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc है ना, वही निकालना है, ध्यान दो ए प्लस बी प्लस सी और 9, ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पर दोनों तरफ क्या करेंगे वर्ग कर देंगे, वर्ग करने पर, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, ये जानवे करता है ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca अनो का स्क्वायर 81, ठीक है ना, ऊपर में देखो तुम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नहीं दे ले हुआ, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से दो तो कॉमन ले सकती है ना ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है ना, बड़ा विकास अभी कुछ नहीं, उलट पुलट करना जैसे वैसे ही रखो,
यहाँ बता ए बी प्लस बी सी प्लस सी ये दिल में है 26, तो दो गुने 26 लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 26 गुना क्या होता है 52, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 52 प्लस में इधर आएगा माइनस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना आया 29, कितना आएगा 29, घटा के आएगा 29। अब देखो निकालना हमको क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, कैप्चर कर रहे हैं यहाँ तक, ए प्लस बी प्लस सी सूत्र होता है इसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, है ना, ए प्लस बी प्लस सी दिया नहीं है 9 10 हुआ, तो ऐसे रुक जाओ थोड़ा सा, रुक जाओ थोड़ा सा, फिर से अधिक करो, है ना, अगली स्टेप में ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक साथ, है ना, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस कॉमन लो, ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए, ए प्लस बी प्लस सी कितना है 9 ने, थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा अब यहाँ देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर कितना है 29 ने माइनस ए बी बी सी सी ए कितना दे लेगा 26, 29 में से 26 गया 3 9 दिया 27, ये आपका आंसर हो गया। देखो बोलो ध्यान देना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बरो 11, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और 45, हाँ ना, एक्स वाई जेड कितना है 40, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 60, ए निकालना है, ध्यान दो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 11, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ लिखेंगे वर्ग करने पर, ध्यान दो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इसका होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर करेंगे ना दोनों तरफ, इसका सूत्र होता है, मान लो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy होगा ना, 2yz और 2zx, एड हुआ 11 का 121, ध्यान देना रही, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 45, कर दो यहाँ 45, यहाँ से 2 कॉमन लो, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, है ना, इधर 121, ये 45 प्लस में इधर आएगा माइनस, एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स, तो 121 माइनस क्या हो जाएगा 45, तो 2 × x y प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पर 76, है ना, हुआ देखो तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स दो गुना में इधर आएगा 78, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर हो जाएगा 38 आपका हो जाएगा, क्यू प्लस जेड क्यू निकालना है हुआ, तो यहाँ पर एक चीज हम सूत्र जानते हैं, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू और माइनस 3xyz, इसका एक सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी मैंने एक्स प्लस वाई प्लस जेड होता है ना, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, सही होता है, ध्यान देना, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू तो निकालना है, एक्स वाई जेड कितना दिल है 40, है ना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना 11 है हुआ, ध्यान देना यहाँ पर, यहाँ से थोड़ा सा कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यार छोड़ो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना दे ले, देखो तो 45, एंड यहाँ से माइनस कॉमन लेकर करो, एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स, है ना, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू और माइनस 120, माइनस 120 एगार,
आई 45 बता होगा इसका वैल्यू कितना है अड़तीस एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस एक्स बीस तो कितना हो जाएगा साथ में एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस एक्स ये कर सकते हैं 77 एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस में इधर आएगा कितना आ जाएगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू 197 नोट कर दे देखो हुआ एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 15 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 71 तो एक्स वाई जेड 10 है तो एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू निकालना ध्यान दो पहले एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है 15 दोनों तरफ क्या करेंगे वर्ग कर देंगे वर्ग करने पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर आई 15 का स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर अपने घर पे करते हैं ए स्क्वायर अरे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी बोल सकते हैं इसे जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस 2zx बराबर 225 ध्यान देना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स 225 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर भगवान यहाँ से एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स 71 में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 71 दूना कितना आता है वो सही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये प्लस में इधर आएगा माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना जाएगा हुआ 3 सही है 83 ठीक है हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 83 अब यहाँ ध्यान दें एक सूत्र हम जानते हैं कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू और माइनस 3x वाई जेड इसका सूत्र होता है हुआ एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एन होता है सूत्र हुआ है ना एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x वाई जेड कितना दे रहे हुआ 10 एक्स प्लस वाई प्लस जेड अब नहीं लगाना ठीक है एक स्टेप बढ़ा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस कॉमन लो एक्स वाई वाई जेड जेड ध्यान देना हुआ एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 30 एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना हुआ 15 ना एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कितना दिया वो यहाँ लिखो क्या है 83 आई कितना है एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स कितना है हुआ 71 एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू है ना और माइनस 30 83 में से 71 गया हुआ कितना जाएगा 12 ध्यान दो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू और माइनस 30 15 बार 180 होता है 15 गुणे 12 कितना होता है हुआ 180 और हुआ माइनस में 30 से इधर आएगा प्लस में 30 एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू कितना होता है 210 ये आपका आंसर है